सब्सक्राइब कीजिए हमारे और आपके चैनल टेक्नोडोहित को, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके और साथ में ही बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा, ताकि मैं कभी भी कोई भी वीडियो अपलोड करूँगा तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप लोग उस वीडियो को इजीली देख पाएंगे। आज हम लोग बात करेंगे जियोनी S10 के बारे में। तो जियोनी S10 के कुछ पिक्चर्स और स्पेस लीकों के सामने आई है, तो मैं आज आप लोगों से इसी के बारे में बात करूंगा। तो आप पिक्चर्स में देख सकते हैं कि दो तीन वेरिएंट के साथ ये कलर ऑप्शन के साथ आने वाला है। आप देख सकते हैं पिक्चर्स में काफ़ी अच्छा लग रहा है फ़ोन देखने में। तो इसके कुछ और पिक्चर्स और वीडियोस लीकों के सामने आई है, तो मैं आज इसी के बारे में आप लोगों से बात करूँगा और बताऊँगा आप लोगों की हमें जियोनी S10 में क्या क्या फीचर्स देखने को मिल सकते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं इसके डिस्प्ले की बात करूँ, तो इसमें आपको मिलेगा 5.5 इंच का डिस्प्ले, जिसकी रिजोल्यूशन होगी 1080x9020 पिक्सल के साथ। जी हाँ, अगर इसकी प्रोसेसर की बात करते हैं, इसमें आपको मिलेगा 2.2 GHz का ऑक्टा कोर का प्रोसेसर, और कौन सा चिपसेट देगा ये अभी तक पता नहीं किया गया है। अगर इसमें रैम की बात करते हैं, इसमें आपको मिलेगा 4 GB का रैम और 64 GB की इसमें आपको इंटरनल मेमोरी देखने को मिलेगी। इसमें आपको डुअल बैक कैमरा मिलेगा, 13MP प्लस 13MP प्राइमरी कैमरा विद डुअल का रेडी फ्लैश के साथ, और इसमें आपको मिलेगा 16MP का फ्रंट फेसिंग कैमरा, लेकिन आपको फ्रंट में फ्लैश देखने को नहीं मिलेगा। 13MP का डुअल कैमरा दिया जा रहा है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। 3700 mAh की इसमें आपको बैटरी दी जा रही है, जो कोई नॉन रिमूवेबल बैटरी होगी, इस बैटरी को आप रिमूव नहीं कर पाइएगा। एंड्रॉइड का लेटेस्ट वर्जन नुहट दिया जा रहा है, तो काफ़ी अच्छी बात है। अगर इसकी बात करें मैं प्राइस की, तो इसकी प्राइस लगभग आपको रखी गई है, जो कि है 25,000 रुपये। जी हाँ, 25,000 रुपये एक्सपेक्ट किया जा रहा है। अभी तक कोई डिटेल कंफर्म नहीं है, मैं जो आप लोगों को ये बता रहा हूँ ये लीक के बेस पे बता रहा हूँ, लीक्स और रूमर सामने हैं तो उसी के बेस में मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ। तो देखते हैं कि ये फ़ोन को बताया जा रहा है कि 26 मई को लॉन्च किया जाएगा। तो लॉन्च करने के बाद मैं इसका आपको हैंड ऑन क्विक रिव्यू दे दूँगा, तब तक आप मेरे चैनल के साथ बने रहिए और प्लीज़ हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। 4 GB का रैम मिलेगा, 64 GB की इंटरनल मेमोरी मिलेगी, 16MP की इसमें आपको फ्रंट फेसिंग कैमरा मिलेगी और 13MP की डुअल बैक कैमरा देखने को मिलेगा। इसमें आपको 7.0 एंड्रॉइड का नुगट दिया जाएगा, तो काफ़ी अच्छा फ़ोन लग रहा है देखने में। और इसमें आपको मिलेगा 2.2 GHz का ऑक्टा कोर का प्रोसेसर, और कौन सा चिपसेट देखने को मिलेगा ये अभी तक पूरी तरह से क्लियर नहीं की गई है। तो अगर आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है, तो प्लीज़ कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन फॉर मोर वीडियोज़, एंड प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।